जो वहां पर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी उस पर एक्ट किया है। पहले बिजली मिलता था क्या? 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? किन परिस्थितियों में हुआ है तो सरकार ने उसके लिए जांच बैठाई है, जांच के नतीजे आएंगे। बिजली भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि कितना बिजली था नीतीश कुमार के आने के बाद, कितना बिजली आना शुरू हुआ, कंज्यूम कितना कर रहा है बिहार। कटिहार में गोलीकांड जिस तरह से हुआ है उसके बाद पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है। लगातार सत्ता पक्ष से सवाल किया जा रहा है। जिस तरह से बात करें कि कटिहार के बारसोई में बिजली की मांग को लेकर के तमाम जो जनता थी सड़क पे उतर गई थी और मांग कर रही थी, इसी बीच जो है भगदड़ मच जाती है और प्रशासन के द्वारा गोली चला दिया जाता है, जिसके वजह से 3 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद लगातार जिस तरह से सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, वहीं पे जो है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया है कि गोलीकांड को लेकर के क्या कुछ कहिएगा, तो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। देखिए, गोली कांड नहीं हुआ है, पुलिस ने जो वहां पर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी उस पर एक्ट किया है। अब ये देखना है कि किन परिस्थितियों में हुआ है, तो सरकार ने उसके लिए जांच बैठाई है, जांच के नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। बीजेपी अब सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि जब रोजगार मांगते हैं तो लाठी चार्ज कर देते हैं, अब जो है बिजली मांगी जा रही है तो गोली चला दे रहे हैं। नहीं नहीं, बिजली भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि कितना बिजली था और कितने कंज्यूमर थे नीतीश कुमार के आने के बाद, कितना बिजली आना शुरू हुआ, कंज्यूम कितना कर रहा है बिहार और कितने लोग ऐड हुए हैं, कितने कंज्यूमर बने हैं। पहले बिजली मिलता था क्या? 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? इनको तो कोई काम धाम करना नहीं है, पूरे प्रदेश में बिदंगड़ा खड़ा करना है। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि देखिए ये गोली कांड नहीं है, वहाँ पे जो सिचुएशन था उसके अनुसार प्रशासन गोली चलाई है। वहीं पे जिस तरह से बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि नौकरी मांगे तब लाठी चार्ज, जब बिजली मांगे तो गोली, तो इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि इससे पहले बिजली कैसे मिलती थी, 5 साल पहले चले जाइए, बिजली की स्थिति क्या थी, हमारी सरकार आई है तभी बिजली मिल रही है। गोलीकांड को लेकर के लगातार जो है बिहार की सियासत तेज है और लगातार बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी भी विधानसभा मार्च निकाल रही थी उस टाइम भी लाठी चार्ज हुआ, तो उस दौरान भी बीजेपी के नेता की एक मौत हो जाती है। उसके बाद कटिहार जिले में बारसोई के अंतर्गत जिस तरह से ये घटना हुई, तो उसके बाद लगातार बिहार की सत्ता पक्ष से वहीं से मंत्री से सवाल किया जाता है, तो वो जो है अलग अलग तरीका से जवाब देते आते। ऊर्जा मंत्री ने सुना किस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर कानून तोड़ेंगे तो मजबूरन प्रशासन को गोली और लाठी तो चलानी ही पड़ेगी। अब भवन निर्माण मंत्री का भी बयान सामने आ गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए बिजली को लेकर के जिस तरह से बीजेपी वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उन्हें जो है कोई हक नहीं है इस पर सवाल खड़ा करने का। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहे इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।